हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इंटीग्रेशन की क्लास है, और इंटीग्रेशन से तो मैं आपको जानता ही हूँ आपको कितना डर लगता है। तो आज की क्लास बस आप ढंग से समझिए, एक एक पॉइंट को ढंग से समझिए, और फिर आपको इंटीग्रेशन से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा कि कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटीग्रेशन का क्या रोल है डेरिवेशंस में, और किस तरह से आज की जो क्लास है वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो बस करना क्या है आपको, सिर्फ आप सिंपली ईयरफोन लगाइए, ईयरफोन लगा कर कंसंट्रेशन के साथ पूरे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और अगर आपको लास्ट तक ये वीडियो पसंद आए, आपको टॉपिक अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और उन फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए जिन्हें लगता है डर इंटीग्रेशन से। तो आज की जो क्लास है हम लोगों की वो पूरी इंटीग्रेशन बेस्ड क्लास है। आज हम लोगों को सिर्फ इंटीग्रेशन ही समझना है कि इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है और फिजिक्स में इसका रोल क्या है। फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, कुछ सिलेक्टेड पोर्शन है उसी को हम लोग पढ़ेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, पहले बात आती है कि इंटीग्रेशन है क्या ये। तो जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन का अगर हम लोग मीनिंग की बात करें, अगर हम लोग इस इंटीग्रेशन के मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, टू ऐड। किस लिए किया जाता है इंटीग्रेशन? ऐड करने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है। अब लेकिन एक बात आती है, ऐड करना है तो इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हो? ऐड करना है तो सिंपली क्या कर लो, प्लस कर लो भाई। अगर आपको ऐड करना है तो आप क्या करो, सिंपली प्लस का यूज़ करो ना, इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हो? तो मैंने आपको क्या बताया कि इंटीग्रेशन का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, इंटीग्रेशन का हम लोग यूज़ करते हैं ऐड करने के लिए। ऐड करने के लिए हम लोग प्लस का भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ये समझते हैं कि प्लस का यूज़ हम लोग क्यों नहीं करते हैं और इंटीग्रेशन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। तो ठीक है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इस एग्जांपल से हम लोग कोशिश करेंगे इंटीग्रेशन को समझने की कि क्या है इंटीग्रेशन। देखिए, जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि कुछ पॉइंट्स हैं एक लाइन पर, जैसे ये एक आपके पास लाइन है और इस लाइन पर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है, और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को डी पॉइंट से सी पॉइंट तक लाने के में आपको कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ वर्कडन आपको करना पड़ता है। जैसे मान लो अगर सी पॉइंट पे एक प्लस चार्ज है और डी पॉइंट पर भी क्या एक प्लस चार्ज है, और आप इस चार्ज को अगर आप डी से सी तक लेकर के आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने से एक दूसरे को दूर हटाएंगे, और जब आप इसे पास पास लेकर के आएंगे तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये पढ़ा हुआ है। तो जब आप इसे पास लेकर के आएंगे तो कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जब रिपेल करेंगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क करना पड़ेगा वही हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस क्यू नॉट को, इस क्यू नॉट को हम कहाँ लेकर के आना चाहते हैं, हम सी तक नहीं, हम इसे लेकर के आना चाहते हैं ए तक। तो आप कैसे ए तक लेकर के आएंगे, पहले आप क्यू नॉट को डी से लेकर के आएंगे सी तक, यहाँ से यहाँ तक आप क्या क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वर्क फाइंड आउट कर लेंगे डब्ल्यू वन, फिर आप क्या करेंगे इसे सी से लेकर के आएंगे बी तक, फिर वर्क फाइंड आउट कर लेंगे आप डब्ल्यू टू, और फिर आप लेकर के आएंगे बी से लेकर के ए तक, फिर आप वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे डब्ल्यू थ्री, और जो टोटल वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री के इक्वल हो जाएगा। तो सो सिंपल, आपने क्या किया, प्लस कर दिया, और प्लस करके आपने टोटल वर्क डन फाइंड आउट कर लिया। तो अब बात ये आती है कि हम लोग क्यों प्लस कर रहे थे और अब क्यों नहीं प्लस करेंगे। तो प्लस हम लोग क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, टोटल चाहिए था। और प्लस क्यों नहीं करेंगे और इंटीग्रेशन क्यों करेंगे वो समझते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्या कहूँ कि अब हमारे पास ये जो लाइन है, इस लाइन पर पॉइंट ए तो इधर है, लेकिन पॉइंट ये क्या है, इनफाइनाइट। अब आप क्या करो, इस पॉइंट ए पर तो प्लस क्यू चार्ज मान लो, और जो प्लस क्यू नॉट है वो कहाँ पर मान लो, इनफाइनाइट पर मान लो। तो जो सोर्स चार्ज है वो पॉइंट ए पर है, और जो टेस्ट चार्ज है वो कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे है। अब आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आओ, अब प्रॉब्लम ये आएगी कि अब ये तो फिक्स तो है नहीं कि कितने पॉइंट्स बीच में आएंगे। तो जब ये फिक्स है ही नहीं कि कितने पॉइंट्स होंगे बीच में, कि बीच में चार पॉइंट होंगे, कि बीच में पाँच पॉइंट होंगे, कि दस पॉइंट होंगे, कि बीस पॉइंट होंगे,
तो जब हमें यही नहीं पता कि हमें कितने बर्गडन फाइंड आउट करने हैं और कितने बर्गडन को सम करना है, तब हम लोग ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं जो हमें ऐड करना हमारे लिए पॉसिबल हो ही ना। तो ऐड करने का ये एक बड़ा फॉर्म है इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन की बात आती है तो आप हम लोग ये समझते हैं कि इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है और इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को अगर हम लोग बात करें तो सिंबल होता है इसका ये, इस इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है। और इंटीग्रेशन किसी के रेस्पेक्ट में किया जाता है, तो अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एक्स। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स या विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर आप टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, डी टी। अगर आप थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। चलिए, अच्छा, इंटीग्रेशन में एक बात आप ये ध्यान रखना, हम लोग यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ तक चल करके जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। ये हमारे पास क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, और एक ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। इसी तरह से इंटीग्रेशन भी में भी हमारे पास दो लिमिट्स होती हैं, एक लिमिट होती है लोअर लिमिट और एक लिमिट होती है अपर लिमिट। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर आप लिखते हैं लोअर लिमिट और यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, अपर लिमिट। अच्छा, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होते हैं वो समझते हैं हम लोग। देखिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होते हैं, जहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हैं वो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा, और जहाँ तक चल करके जाते हैं वो क्या हो जाता है, अपर लिमिट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, इस तरह से लिखेंगे इस तरह से डी एक्स, और कोई एक लोअर लिमिट मान लीजिए और कोई एक अपर लिमिट मान लीजिए। मान लीजिए लोअर लिमिट कितनी है आपके पास, लोअर लिमिट है इनफाइनाइट से आर। तो ये आपके सामने क्या हो गया, इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब बात आती है कि ये लिमिट सॉल्व कैसे की जाएंगी, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है लिमिट का, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है लिमिट का। क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग लिमिट को लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब आप क्या करें, जो भी आपके पास सॉल्व करने के बाद बचता है, सॉल्व करने के बाद आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, तो आपको पूरा सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई अभी आपको, क्या बात समझ में आई कि इंटीग्रेशन क्या है और इंटीग्रेशन क्यों करते हैं और इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन हम लोग क्यों करते हैं, इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं ऐड करने के लिए, और ऐड करने के लिए तब जब हम लोग पॉसिबल ना हो पाए कि कितनी बार ऐड करना है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एक लोअर लिमिट होती है और इसमें एक अपर लिमिट भी होती है, और सॉल्व कैसे की जाती है लिमिट को, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो ये तो थी इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन की बात। अब जो हम लोगों को इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं या जो हम लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इंटीग्रेशन में, उन्हें और समझना है। देखिए, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फार्मूले हमारे पास, सबसे पहला फार्मूला है, देखिए किस तरह से लिखेंगे हम लोग, इस तरह से लिखेंगे, अगर ऐसे कहा जाए आपसे इंटीग्रेशन करना है आपको इसका डी एक्स का, ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स का तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एक्स। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स का या डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। अच्छा, एक बात सोचो, यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, नहीं लिखा है, तो आप अपनी तरफ से क्या मान सकते हैं, वन भी मान सकते हैं। तो आप वो मानने की बात है, वैसे आपसे ना लिखें, सिर्फ समझ लें। तो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं डी एक्स है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरे फॉर्मूले की बात करें, तो अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे एक्स ही पावर एन का और किसके रेस्पेक्ट में, डी एक्स के या एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ही पावर एन डी एक्स। अभी हम लोग लिमिट नहीं रख रहे हैं, लिमिट अभी हम लोग रखना सीखेंगे, पहले सिर्फ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ही पावर एन डी एक्स, इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन। इसी तरह से अगर हम लोग इंटीग्रेशन की बात करें साइन एक्स के, तो जो साइन एक्स डी एक्स है ये किसके इक्वल हो जाता है, माइनस के कॉस एक्स के इक्वल हो जाता है।
ये हम लोग सिर्फ वही फॉर्मूले पढ़ रहे हैं जिनकी जरूरत हमें ट्वेल्थ में पढ़ने वाली। वैसे तो इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जो हमें ट्वेल्थ में जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। नंबर फोर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, तो ये कितना होने वाला है साइन एक्स। ध्यान कर रखना है, साइन एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स, और जब कॉस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा, ये जो फॉर्मूले लिखे हैं इनके हम लोग एक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि किस तरह से इन फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो जो पहला वाला फार्मूला है, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से इसे और समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपके पास लिखा है इंटीग्रेशन डी थीटा, तो इंटीग्रेशन डी थीटा करोगे तो आपको एक्स जैसे मिला था वही क्या मिल जाएगा यहाँ पर थीटा मिल जाएगा। अगर आप और समझना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी टी, तो डी टी का करेंगे तो कितना मिल जाएगा टी मिल जाएगा। अब आते हैं सेकेंड वाले, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है हमें इसी की, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है। इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हमें सबसे ज़्यादा करनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन करना है हमें x की पावर n dx का, इंटीग्रेशन करना है हमें x की पावर n dx का, तो आप एक एग्जांपल सेट कीजिए x की पावर n का। तो हमने एक एग्जांपल सेट कर लिया x की पावर 5 dx का, x की पावर 5 dx का। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर आपने n की वैल्यू यहाँ पर कितनी एड कर रखी है 5, तो फॉर्मूला कहता है एक्स ई पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, तो कितना हो जाएगा एक्स ई पावर फाइव प्लस वन अपॉन में फाइव प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स ई पावर सिक्स अपॉन में सिक्स। अच्छा, इसी तरह से आप क्या कीजिए, एक और मुझे करके दिखाइए, आप कीजिए एक्स ई पावर टू डी एक्स का, आप इसे सॉल्व करके खुद देख लीजिए। चलिए, अब आती है बात साइन एक्स की, तो साइन एक्स और कॉस एक्स ये क्या एक फॉर्मूले हैं। तब भी अगर आपसे और देखना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन करना है हमें साइन थीटा डी थीटा का, तो जब आप साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस के कॉस थीटा मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कॉस एक्स को भी एक बार फिर से समझना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स लिखा है, अगर आपके पास होता कॉस थीटा डी थीटा तो ये कितना होने वाला था माइनस के साइन थीटा, कॉस थीटा डी थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के साइन थीटा। क्या ध्यान रखना है आपको कि जो साइन एस है साइन एक्स है इसका क्या हो जाता है माइनस के कॉस एक्स, और जो कॉस एक्स है इसका प्लस के साइन एक्स होगा। इसी तरीके से कॉस थीटा में भी यहाँ पर क्या होगा प्लस का साइन थीटा होगा। तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको आने ही चाहिए इंटीग्रेशन करने के लिए। तो एक्स ई पावर टू डी एक्स से आपने किया होगा तो कैसे करेंगे, जरा आप यहाँ पे देखिए एक्स ई पावर फाइव को जब किया था तो एक पावर ऐड हो गई थी, तो एक्स ई पावर सिक्स अपॉन में सिक्स। ऐसे जो आप एक्स ई पावर टू डी एक्स सॉल्व करेंगे तो ये कितना होना है एक्स ई पावर थ्री अपॉन में थ्री। आई होप आपने यही सॉल्व किया होगा एक्स ई पावर थ्री अपॉन थ्री। अच्छा, ये सभी फॉर्मूले आप क्या कीजिए, वीडियो पहले पॉज कीजिए, इन फॉर्मूले को नोट कर लीजिए और तुरंत ही याद कर लीजिए इन फॉर्मूले को। अच्छा, बाकी सब तो ठीक है, हम लोग इस सेकंड वाले की प्रैक्टिस एक बार फिर से कर लेते हैं क्योंकि सेकंड वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। तो बाकी सब मैं यहाँ से क्या करता हूँ हटाता हूँ और सेकेंड वाले की प्रैक्टिस एक बार आपको फिर से करा देता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलिए जरा देखिए सेकंड वाले को एक बार हम लोग और एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे लिखा हुआ इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या लिखा हुआ इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलिए थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, चलो क्या करते हैं इसे ये कर देते हैं माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या करते हैं थोड़ा सा अच्छा और बना लेते हैं आपके लिए, वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे सॉल्व करना है। अच्छा, एक बात और बताऊँ आपको, मैं इस बात को आप तुरंत याद कर लीजिए, क्या बात है वो सुन लीजिए। देखिए बात ये है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट जो होगा वो कहाँ रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा। जब भी हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन से जो कांस्टेंट है वो कहाँ रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा। और माइनस का साइन भी हम लोग कहाँ रख सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया ताकि आपको ये भी समझा सकूँ मैं।
तो इंटीग्रेशन में हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग कॉन्स्टेंट को कहाँ रखेंगे? बाहर रखेंगे। हमेशा याद रखिए कि इंटीग्रेशन से कॉन्स्टेंट कहाँ रखा जाएगा? बाहर रखा जाएगा। और माइनस भी हम लोग कहाँ रख सकते हैं? बाहर रख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये लिखा है हमारे पास माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस को सबसे पहले बाहर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बात आती है कि मैंने आपको ऐसे किसी फॉर्मूले को तो लिखाया नहीं है, मैंने आपको x की पावर n लिखाया है, लेकिन ये नहीं लिखाया है वन अपॉन x की पावर n। तो जब नहीं लिखाया है तो क्या करो, इसे आप कन्वर्ट कर लो x की पावर n। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये जो x स्क्वायर है अगर ये ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे? माइनस इंटीग्रेशन x की पावर माइनस के टू डी एक्स। देखिए ये जो x की पावर 2 है जब ये ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो जब x की पावर 2 को आपने क्या किया? ऊपर भेजा, तो ये ऊपर जाके किसके हो गए? माइनस के 2 हो गए। देखिए अब बन गया x की पावर n, x की पावर n। और ये जो n है इस n की जगह पे वैल्यू कितनी है? माइनस के 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? आप लिखेंगे माइनस, माइनस तो आपने पहले ही लगा दिया। अब x की पावर माइनस के 2 है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? x की पावर n प्लस 1। तो n प्लस 1 करोगे तो n की वैल्यू कितनी थी? माइनस के 2। तो कितना हो जाएगा? माइनस के 2 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? n प्लस 1। तो ये भी कितना हो जाएगा? माइनस के 2 प्लस 1। क्लियर है ना इतना? एक बार आपको दोबारा समझा देता हूँ। माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स थे। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इंटीग्रेशन से माइनस और कॉन्स्टेंट कहाँ रखा जाएगा? बाहर रखा जाएगा। तो आपने माइनस को क्या कर दिया? बाहर लिख दिया। तो माइनस को लिया है बाहर, फिर एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर के गए तो कितना हो गया? एक्स की पावर माइनस के 2 हो गया। अब ये बन गया एक्स की पावर एन। जब ये एक्स की पावर एन बन गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। तो एन की वैल्यू माइनस के 2 थी, तो माइनस के 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस के 2 प्लस 1। आगे सॉल्व कर लीजिए इसे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस। अब x की पावर देखिए जरा, x की पावर माइनस के 2 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? माइनस के 1 अपॉन में माइनस के 2 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? माइनस के 1 हो जाएंगे। अब आगे देखो जरा ऐसे, आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसे? इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आपके पास केवल क्या बचेगा? x की पावर माइनस 1। इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या बचेगा? x की पावर माइनस के 1 बचेगा। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, ये जो x की पावर माइनस 1 है, अगर हम इसे प्लस का 1 करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे अपॉन में लेकर के आना पड़ेगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 1 अपॉन x की पावर प्लस 1। हम लोग इधर से चल रहे हैं, तो x की पावर माइनस के 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन x की पावर 1। जब ये ऊपर से नीचे आएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। और x की पावर 1 को हम लोग क्या सिंपली लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x। तो x की पावर 1 जो था वो कितना बन जाता है यहाँ पर? 1 अपॉन x बन जाता है। कैसे किया जरा यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो प्लस तो हटा दिया मैंने यहाँ से। फिर x की पावर माइनस 1, x की पावर माइनस के 1 लिख दिया। x की पावर माइनस 1 को जब आप अपॉन में लेकर के आएंगे तो किस में हो जाएंगे? x की पावर प्लस 1। और जब x की पावर प्लस 1 हो जाएंगे तो हमसे क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन x। तो आप ये ध्यान रखिए कि माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा। तो क्या क्या बात समझ में आई आपको यहाँ से? मेन बात आपको ये समझ में आई है यहाँ से कि इंटीग्रेशन से माइनस और कॉन्स्टेंट कहाँ रखा जाएगा? बाहर रखा जाएगा। बाकी हम लोगों ने इसी फॉर्मूले की प्रैक्टिस की हुई है। चलिए एक हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। इस बार हम लोग जो एग्जाम्पल देखेंगे उसमें हम लोग लिमिट भी रखेंगे और कॉन्स्टेंट भी रखेंगे। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इस क्वेश्चन में हम लोग लिमिट भी रखेंगे और कॉन्स्टेंट भी रखेंगे। और एक बात बताऊँ, ये जो क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम्पल है, वो आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। तो बस आप यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लीजिए और बुक का आपका एक डेरिवेशन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल में उसी क्वेश्चन को उठाया है जो आपकी बुक में क्वेश्चन है। तो इससे साथ साथ क्या होगा? क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, यानी कि डेरिवेशन भी सॉल्व हो जाएगा और हमारा एग्जाम्पल भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन है माइनस के इनफाइनाइट से, सॉरी इंटीग्रेशन है इनफाइनाइट से आर तक
फिर है माइनस के वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन है इनफाइनाइट से आर तक माइनस के वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इंटीग्रेशन आपको करना है। तो लगने लगा ना आपको इंटीग्रेशन आप सॉल्व होने लगे हैं। चलिए अच्छी बात, अगर आपको लग रहा है कि हम लोग सॉल्व करेंगे, तो क्या कहा था मैंने आपसे कि इंटीग्रेशन से जो कांस्टेंट है वो कहाँ रखे जाएंगे, बाहर रखे जाएंगे, यानी जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी वो क्या ले आओगे, उन्हें इंटीग्रेशन से बाहर ले आओगे। तो देखो जरा किसी किसी वैल्यू चेंज नहीं होगी यहाँ से, देखो सबसे पहले तो माइनस, माइनस को बाहर ले आओ, माइनस लिख दिया, फिर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ कॉन्स्टेंट होता है, इसे आप बाहर लिखेंगे। अब बचा क्या आपके पास अंदर, अब आपके पास बचा है क्यू क्यू नॉट और एक्स स्क्वायर, डी एक्स तो इंटीग्रेशन के साथ में ही है, तो क्यू क्यू नॉट, क्यू क्या है चार्ज, क्यू नॉट भी चार्ज है, क्या चार्ज क्वेश्चन में बदल जाता है क्या, अगर आपको किसी क्वेश्चन में क्यू की कुछ वैल्यू गिवन होती है तो क्या वो आधा क्वेश्चन करने के बाद चेंज हो जाती है क्या, नहीं। तो जो चार्ज है वो भी कैसी वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वो भी चेंज नहीं होने वाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को भी बाहर लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे क्यू क्यू नॉट। तो अब बचेगा क्या आपके पास, तो आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से आर तक, और अंदर बचेगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए माइनस के वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से आर तक वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो मैंने अभी आपको इसे सॉल्व करके दिखाया था वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स को, मैं एक बार इसे स्पीड से दोबारा सॉल्व करूंगा, मतलब फास्ट ट्रैक सॉल्व करूंगा इससे, जिससे आपको समझ में भी आता रहे और ये भी ना हो कि इसे छोड़ दिया गया। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स को सॉल्व भी करेंगे एक बार और लिमिट रख करके भी देखेंगे। तो जो कॉन्स्टेंट है उसे तो बाहर लिख दिया हम लोगों ने, तो क्या बचा माइनस के वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो कर तो तब पाएंगे जब इसे एक्स ही पावर एन बनाओगे, तो इनफाइनाइट से आर तक ऐसे ही रहा, एक्स ही पावर टू ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे एक्स ही पावर माइनस के टू डी एक्स। अब आप समझ गए एक्स ही पावर एन बन गया ये, तो माइनस के वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। अब एक्स ही पावर एन को सॉल्व कर लीजिए, देखिए इंटीग्रेशन जब करना शुरू कर दिया है तब हम इंटीग्रेशन के साइन को हटा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन भी हट जाएगा और डी एक्स भी हट जाएगा। अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर रहे थे, हमने तो बस कांस्टेंट को बाहर लिखा था और एक्स की पावर टू को ऊपर लेकर के, अब इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का साइन भी हटा रहे हैं। तो अब आ जाएगा ब्रैकेट, एक्स की पावर माइनस के टू को क्या लिखोगे, एक्स की पावर माइनस के टू प्लस वन अपॉन में माइनस के टू प्लस वन और ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो लिमिट थी, क्या लिमिट सॉल्व की, नहीं सॉल्व की है अभी, तो लिमिट कहाँ लगा देंगे आप, ब्रैकेट पर ही लगा देंगे इनफाइनाइट से आर। तो क्या किया हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया, फिर लिमिट सॉल्व नहीं की तो लिमिट लगा दी ब्रैकेट पे ऊपर। अब देखिए जरा क्या सॉल्व करेंगे, से सॉल्व करेंगे आप माइनस के वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। अब ये तो समझ गए, मैंने आपको अभी करके दिखाया था एक्स की पावर माइनस के टू प्लस वन, तो कितने हो जाएंगे एक्स की पावर माइनस के वन अपॉन में माइनस के वन इनफाइनाइट से आर। एक्स की पावर माइनस के वन अपॉन में कितना हो जाएगा माइनस के वन, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर माइनस के वन अपॉन माइनस वन, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा ये प्लस हो करके वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट और क्या बचेगा एक्स की पावर माइनस वन इनफाइनाइट से आर। तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, एक्स की पावर माइनस के वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स और ये इनफाइनाइट से आर तक। इतना तो हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, अब इसके आगे ही कहानी सुनिए। तो पहले तो इसे ऐसे लिख दो, इसमें तो कोई चेंज होना नहीं है क्यू क्यू। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको क्या समझाया था कि फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हम लोग कहाँ रखेंगे ये बात आती है, तो बात है अपर लिमिट रखी कहाँ जाए। तो आप अपर लिमिट को रखेंगे x की जगह पर, क्यों रखेंगे x की जगह पे, क्योंकि आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे x के रेस्पेक्ट में, तो जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अपर लिमिट भी x की ही जगह पर आएगी। तो अपर लिमिट कितनी है r,
ये अपर लिमिट कहाँ आ जाएगी, x की जगह पर आ जाएगी। तो जब अपर लिमिट x की जगह पे आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 1/r। अपर लिमिट रख दी हमने, हमने क्या किया, अपर लिमिट रख दी। अपर लिमिट कितनी है, r है, तो r को हमने कहाँ लिख दिया, x की जगह पे लिख दिया, कितना बन गया, 1/r। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस, अब क्या आएगा, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट कहाँ रख दोगे, x की जगह पे, तो कितना हो जाएगा, 1/∞। तो हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले हम लोगों ने x की जगह पे अपर लिमिट ला करके रख दी, फिर माइनस लगाया, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट ला करके रख दी। सॉल्व कर लीजिए इसे, कितना हो जाएगा, 1/4πε0 qq0 नॉट हो जाएगा 1/r माइनस 1/∞, कितना हो जाएगा, 0। तो क्या बचेगा, 1/r बचेगा केवल, क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा 1/4πε0 qq0 और साथ में क्या बचेगा, 1/r। अब 1/r को आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, लिख दीजिए अच्छे तरीके से, 1/4πε0 qq0/r। तो ये आपके सामने इंटीग्रेशन। बस आपको क्या बात याद रखनी है, आपको मेन बात ये याद रखनी है कि इंटीग्रेशन से कांस्टेंट और माइनस का जो साइन है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसके बाद आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और फिर लिमिट्स को पुट करेंगे। लिमिट्स कैसे पुट होनी है, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और आपको समझ में आ गया है तो मुझे एक नया क्वेश्चन आप करके दिखाइए। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और उस क्वेश्चन को आप मुझे इसी क्वेश्चन की तरह करके दिखाइए और बताइए कितना आंसर आपका आ रहा है, इंटीग्रेशन करने पर आपको क्या मिल रहा है। तो आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं ये सारे डेरिवेशन हैं, तो आपने एक डेरिवेशन कर लिया आज। हम लोग देखते हैं दूसरा डेरिवेशन जिसमें इंटीग्रेशन यूज होने वाला है। तो इंटीग्रेशन है, लिमिट है थीटा नॉट से थीटा, लिमिट है थीटा नॉट से थीटा, और पीई साइन थीटा डी थीटा, पीई साइन थीटा डी थीटा, इसे करके दिखाइए। हिंट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि पी और ई ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। तो पी और ई आप इन्हें कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे, और बाहर रख करके आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पी और ई को बाहर लिखिए और फिर आप पूरा इंटीग्रेशन करने की कोशिश कीजिए। चलिए आपने स्टार्ट कर दिया हो क्वेश्चन, आप भी करते जाइए, मैं भी करता हूँ, देखते कौन सबसे जल्दी सॉल्व कर सकता है। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन को आगे की तरफ। क्या सॉल्व करेंगे, अभी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे आप इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे। तो आप इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर लेकर के आओ, तो कांस्टेंट क्या, पीई, तो पीई ले आओ साइड से, तो क्या कर दिया, पीई को लिख दिया बाहर। अब क्या रह गया, अब रह गया इंटीग्रेशन थीटा नॉट से थीटा, साइन थीटा और डी थीटा, ये आपके पास बचा। अब देखो इंटीग्रेशन से आप पीई को तो बाहर रखेंगे, पीई लिख दिया ऐसे। अब क्या कहा था मैंने, जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और डी थीटा भी हटेगा। तो जो साइन थीटा है, इस साइन थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा। तो साइन हट गया, डी थीटा हट गया, लेकिन लिमिट नहीं हटी, क्योंकि लिमिट नहीं सॉल्व की है। तो लिमिट की जगह पर क्या लिख दोगे, थीटा नॉट से थीटा। ये जो माइनस आ गया है, इस माइनस को क्या करो, बाहर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस के पी ई और ये आ जाएगा कॉस थीटा, थीटा नॉट से थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के पी ई कॉस थीटा और लिमिट जाएगी थीटा नॉट से थीटा। तो क्या लिखेंगे आप, माइनस के पी ई, अब देखिए कॉस, अब यहाँ पे समझ लें लिमिट कैसे रखेंगे, लिमिट पहले आएगी अपर लिमिट, फिर आएगी माइनस लोअर लिमिट। याद रखिए क्या कहा था आपसे, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो जो अपर लिमिट है वो कितनी है, थीटा। अच्छा अपर लिमिट रखी कहाँ पे जाएगी, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं।
तो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, थीटा के ही रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो थीटा की जगह पे आप अपर लिमिट लेकर के आओ, जो कि खुद भी क्या है, थीटा ही है। तो आप थीटा की जगह पे थीटा को ला करके रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है, थीटा नॉट। इस बार थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा, थीटा नॉट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा नॉट। तो आपने इस बार इंटीग्रेशन को पुट किया, इस बार आपने लिमिट को पुट किया है, तो लिमिट से यहाँ से कैसी हो गई, हट गई। अब क्या बचा आपके पास, बचा माइनस के पी ई कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा नॉट। अब ये जो माइनस है, इस माइनस का आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आप माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा पी ई माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करने से मिलेगा आपको, देखिए क्या मिलेगा आपको, माइनस का मल्टीप्लाई करने से ये जो माइनस के हैं ये किस में हो जाएंगे, प्लस में। तो जब ये माइनस का मल्टीप्लाई करने से माइनस वाले प्लस में हो जाएंगे, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा नॉट। इसके साथ साथ ये जो प्लस के हैं ये किस में हो जाएंगे, माइनस में, माइनस के कॉस थीटा। और आपने इतना ही सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है, और आपने दो डेरिवेशन सॉल्व कर लिए, और बस कैसे, एग्जाम्पल की फॉर्म में। तो ये थी आपकी इंटीग्रेशन की क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो मैंने आपको पहले ही कहा था, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें इस वीडियो को, और क्या करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, स्पेशली उन फ्रेंड्स के साथ में जिन्हें इंटीग्रेशन से डर लगता है। तो आपके पास सामने क्या था, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूले के ऊपर हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन किए। अच्छा, मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है, मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेशन से हमेशा कांस्टेंट को हम लोग कहाँ रखते हैं, बाहर ही रखते हैं, क्योंकि कांस्टेंट को आप कितनी भी बार ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिर माइनस का साइन भी कहा था, इंटीग्रेशन से बाहर ही आ जाता है। फिर लिमिट कैसे रखते हैं हम लोग, लिमिट रखते हैं अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो इतनी रखते हैं हम लोग आज की क्लास में, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।